मंत्रिमंडल में अग्निवीर को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों हमने कुछ अनाउंसमेंट अग्निवीर को लेकर के की थी कि हरियाणा में, हरियाणा पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओज 10% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा, इस बात की हमने घोषणा की थी। ग्रुप सी के पदों में 5% तथा ग्रुप बी में भी 1% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा, इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। इसके अलावा यदि अग्निवीर के पास आवश्यक कौशल प्रमाण पत्र होगा उसे स्किल टेस्ट से भी छूट दी जाएगी होगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के होंगे, जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को विभिन्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रूपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रूपए मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रूपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 अग्निवीर भर्ती किए गए। वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा से 2215 अग्निवीर और भर्ती होने हैं। योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।